गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एलकेजी टर्म 1 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 40 पर जो पिछली वीडियो में आपको सिखाया गया था कर्सिव अल्फाबेट डी, उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है जो आपको होमवर्क में दिया गया है। ओके, आज पेज नंबर 41 यहाँ पर डेट नोट कीजिएगा। इस पर आपको स्मॉल अल्फाबेट ए टू डी ये सिखाए जाएंगे। तो सभी बच्चे स्टार्ट नाउ, ब्लैक लाइन के अंदर बनाना है ए बी सी डी। फिर से रिपीट करेंगे ए बी सी डी। बार बार इसी तरह से आपको रिवाइज करते जाना है, बोलते जाना है ए बी सी डी ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। पेज को टर्न कर लीजिए, आगे की लाइनें आपको फिल करनी है, ये होमवर्क में दी जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 42 पर ए से डी तक के वही स्मॉल अल्फाबेट दिए गए हैं। सबसे पहले डेट नोट कर लीजिएगा और इन अक्षरों अल्फाबेट की फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है ए बी सी डी। ओके, बार बार इसी तरह बोलकर रिपीट करते जाइएगा और पेज को फिल कर लीजिएगा, होमवर्क दिया गया है। पेज नंबर 43 पर आइए, डेट नोट कीजिएगा। सबसे पहले कर्सिव अल्फाबेट ए टू डी, अभी आपने ए से डी तक के स्मॉल अल्फाबेट सीखे और अब यहाँ पर कर्सिव अल्फाबेट ए टू डी। अब ये बड़ी वाली है, बी सी डी है, तो देखिए इसको किस तरह से लिखना है। कर्सिव लेटर आपको लिखना सिखा चुकी हूँ, इस तरह से आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बी सी डी आगे की लाइनों में भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। बार बार जब कोई कार्य किया जाता है तो वो 100% क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हर कार्य करना आ जाता है। इसलिए सभी बच्चे बार बार बोलकर प्रैक्टिस करेंगे और लिख कर। ओके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ओके, बार बार इस तरह से बोलिएगा और बोलकर ये लिखना है। डी फॉर डैडी। ओके, क्लियर, एक लाइन आपके लिए छोड़ दी गई है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है मैच द अल्फाबेट। अब यहाँ पर देखिएगा आप कर्सिव अल्फाबेट इधर दिए गए हैं और इधर स्मॉल अल्फाबेट दिए गए हैं। ओके, तो इनको मैच करना है। ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से। हो गया, पेज को टर्न कर लीजिए।
इस पर दिया गया है प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल अल्फाबेट ई। ई फॉर क्या होता है, देखिए ई फॉर आई, आई मीन्स आंख। सबसे पहले डेट नोट करना है, और ये देखिए डॉटेड वाली जो लाइन दी गई है ये बिग, इसके आसपास ई के बगल से बना हुआ है। इस पहले डॉटेड वाली लाइन पर ई बनाना सबसे पहले सीखना है। ये देखिए हाँ, अब यहाँ पर ये लाइनों में ये डॉटेड वाली लाइंस पर इसी तरह से ट्रेस करते जाना है पेंसिल को। ई फॉर आई, 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 यू फॉर, ई फॉर आई, 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 E for eye, E for eye, eye means आँख। इसी तरह से आगे की लाइनों को आपको प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर 45 पर भी ई ही दिया गया है, इसको फिर से प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।